प्रतीक उजागर, आई एम फॉलन इन लव विद माई स्टूडेंट, शी इज नाउ इन 11 एंड आई वॉन्ट टू जस्ट टीच हर मैथ्स फॉर एवर, सी इज वेरी काम. अच्छा, समझ में आ रहा है मैथ्स क्यों पढ़ाना चाहते हैं उसको. ठीक है, बहुत कॉमन है ये मुद्दा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अनकॉमन चीज़ है. अध्यापक और शिष्य में प्रेम हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शादियां भी करी हैं. इट्स कॉमन यार, आप किसी के साथ भी टाइम बिताओगे हो जाता है. तो मैं आपकी इस जो प्रेम की परिस्थिति है इसके विषय में मुझे कोई शिकायत नहीं है. इट्स नेचुरल. ठीक है, इट्स हो जाता है. ठीक है, आपको लड़कियों से ज़्यादा बात करने का मौका मिला नहीं होगा, शिष्य से बात करने का मौका मिला होगा, हो गया प्यार. बट जरा थोड़ा सा सोचिए और समझिए. अभी वो 11th क्लास में है तो उम्मीद करता हूँ 15-16 साल की उसकी उम्र होगी, आप शायद 20-21 साल के हो गए. तो थोड़ा समझदारी आप दिखाओ और उसको भी पढ़ने दो. मुझे प्रेम से कोई शिकायत नहीं है, बट प्रेम का भी समय होता है. पहले आप अपना करियर बनाइए. मुझे लगता है आप शायद किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, तो आप क्या हो रहा है, जब किसी को प्रेम हो जाता है तो उसके लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती. उसको लगता है यही सब कुछ है, अगर मुझे मेरा प्रेम मिल जाए तो मेरी जिंदगी कट जाएगी. बट ऐसा होता नहीं है. ये सिर्फ प्रेम मिलने तक ऐसी फीलिंग होती है. प्रेम मिलने के बाद क्या होता है, सारी ज़रूरतें फिर से वापस आ जाती हैं, क्योंकि ज़रूरतें हैं. आपको नौकरी चाहिए, तो ऐसे प्रेम के सफल होने की संभावना जो होती है बहुत कम होती है. इसलिए मैं आपसे ये समझाऊंगा आपको कि थोड़ा सा बेकाबू प्रेम को थोड़ा काबू करिए, और जो सच्चाई है उसके हिसाब से आप पहले अपनी नौकरी की तैयारी करिए, और उस लड़की को भी प्रमोट करिए, पढ़ाइए, और उसको भी कुछ गाइडेंस दो कि अपनी जॉब वॉब वो करे. सिर्फ प्रेम से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, बाकी आपकी फीलिंग की मैं कदर करता हूँ, मुझे आपकी फीलिंग से कोई शिकायत नहीं. आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो बहुत गलत है. ठीक है, मतलब गलत तो नहीं है, बट सिचुएशन को समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा सर.